तो भाई लोग कैसे हो? तो यार वेलकम दी बैक बैक दी वेलकम और स्वागत है आपका एक बिल्कुल ब्रांड न्यू BGMI गेम प्ले वीडियो में। तो देखो भाई, हमेशा की तरह इस बार भी आपका भाई उतर चुका था जॉर्जो पुल, और काफ़ी भटकने के बाद, मतलब इधर उधर हाथ पैर मारने के बाद, 10-12 कंटेनर बदलने के बाद मेरे को एक मिलती है टॉमी गन, मतलब कि जो कुत्ता गन, वो भाई कुत्ता गन नहीं, सॉरी थॉमसन मिलती है भाई तुम्हारे भाई को। तो देखो अब आगे के जो गलत सीन है वो आपको बाद में पता चलेंगे, मतलब भाई तुम्हारा भाई चिकन डिनर के बहुत ज़्यादा करीब होता है, पर उतने में ही क्या होता है, कैंपर जो बहुत ही खतरनाक कैंपर होता है ना भाई, स्नाइपर चटका देता है तुम्हारे भाई को, वो भी चलती गाड़ी से। देखना भाई, ज़रूर देखना लास्ट का। फिलहाल जैसे ही मेरे को कुत्ता गन मिलती है वैसे ही मैं इसको पहले बॉट से शुरुआत करता हूँ मैं। वैसे भाई BGMI में बॉट अभी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसके पास की थोड़ी बहुत लूट उड़ा के फिर अपन सीधा इधर वेयर हाउस के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर मेरे को अच्छी खासी लूट मिल जाती है, मतलब इसका DP भी मिल जाती है। तो भाई अपन यहाँ से उठाएंगे अपनी M7 फिर उसके बाद में आगे जाके M4 भी मिलने वाली है तुम्हारे भाई को। तो और यार ये बच्चे ना बहुत परेशान कर रहे हैं मेरे को भाई। देखो भाई, बच्चों की जो आवाज़ आ रही है उसे आप इग्नोर कर दीजिए। तो एम पर तुम्हारे भाई को मिल चुकी है और यहाँ पर तुम्हारा भाई आ चुका है और आगे पर ही बंदे हैं, और यहाँ पर देखना भाई तुम्हारा भाई बच पाएंगा क्या नहीं, देखा बच पाएंगा देखना ज़रा। तो शुरू करते हैं अब हम, क्या आया पहला बंदा, बस डैमेज लिया और थोड़ा चला गया अंदर, मतलब भाग गया कवर में। अब तुम्हारे भाई को यहाँ पर दोनों तरफ से घेर लिया जाएंगे, और हाँ भाई 2 नंबर के लिए सॉरी यार, 2 नंबर। तो देख सकते हैं आप एकदम सामने एक बंदा है मेरे, अब ये तो हो गया पहला बंधन हो, और भाई मुझे लगा कि अब मैं सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहा हूँ, इसलिए मैं तुरंत ही बंदों को फिनिश कर रहा था। अब इसके दूसरे टीममेट का मैं इंतज़ार कर रहा था भाई, पर वो तो बॉट मारने में बिजी था, मतलब आप देख सकते हैं। और आगे जो कुछ भी होगा भाई उसके जिम्मेदार, मतलब तुम्हारा भाई आगे एकदम बिल्कुल ही अकेला हो जाएगा, ना कोई टीममेट बचेगा और ना ही कुछ बचेगा भाई। वहाँ पर देखना आपका भाई कैसा क्लच करता है, एक बार एकदम बेहतरीन। फिलहाल इसके लास्ट टीममेट को मार देते और इसका फिनिश भी चुरा लेता हूँ मैं, और फिर ऐसे ही 4-5 बॉट आते हैं यहाँ पर, तो भाई इन बॉटों को मार के अपन निकल जाएंगे यार। भाई वीडियो ज़्यादा लंबा खींचना नहीं चाहता मैं, इसलिए अभी आपको फटाफट बता रहा हूँ। अगर भाई कोई चलती गाड़ी पे स्प्रे मारे तो बात अलग है भाई, वो स्नाइपर मार के गिरा देता है तुम्हारे भाई को, आगे ज़रूर देखना। फिलहाल वहाँ से निकल के अपन इधर आ जाती है एंड मैन के कैंप के ऊपर, यहाँ पर फिर एक स्पॉट होती है। ये देखिए भाई मेरे टीम मेट के थकते नशे, मतलब गाड़ी मैंने खड़ी कर दी फिर भी वो नीचे ही नहीं, उतने में कोई बंदा उसको नॉक कर देता है। मैं यहाँ से एक बंदे को नॉक फिनिश दोनों डाल लेता हूँ, और दूसरे को नॉक करके छोड़ने वाला हूँ भाई। देख भाई, मुझे लगा इसका टीममेट ऊपर रश कर रहा होगा, इसलिए मैं पीछे की तरफ आ गया, नहीं तो उसे भी डायरेक्ट नीचे करने वाले थे अपन। अब भाई देख सकते हैं नीचे मेरा टीममेट नॉक पड़ा हुआ है, और तुम्हारा भाई खेल रहा है सोलो वर्सेस स्क्वाड, मतलब सब कुछ संभालना ही अपने भाई। अगर मैं बाहर जाता तो मैं भी यहीं पर ठीक जाता, मतलब गेम थोड़ा और आगे नहीं बढ़ता, मज़ा नहीं आता फिर आप लोगों को। तो देखो भाई कितना मारते हैं इन बंदों को, मतलब एक स्क्वाड पूरी तुम्हारा भाई अच्छा निकलने वाला है अभी एकदम ज़बरदस्त, टमाटर केचप के साथ चीज़ वीज मार के, मक्खन कहते ना बटर मक्खन, मक्खन हाँ बिल्कुल मक्खन की तरह साफ कर जाएगा तुम्हारा भाई उनको बहुत इजीली भाई, टीपी भी खेल खेल के। और भाई ये जो दीवारें बनी हुई ना, ये बहुत ही गंदी दीवार बनी हुई भाई, ये देखो मतलब ऐसी ही कोई दीवार बनाने की बात छोड़ो यार भाई, इन्होंने बनाई नहीं चाहिए थी, मतलब इतनी ऊँची दीवार है यार भाई, इससे बाहर का तो कुछ दिखता नहीं है लेकिन बाहर के बंदे अपने घर को। अब इस बंदे को भी मैं तुरंत ही नॉक फिनिश डाल देता हूँ, मुझे एक और बंदा दिखता है उस साइड में, पर भाई उसको मारने से पहले ही वो कवर में चला गया था, और नीचे जो बंदे होते हैं वो उसे मार देते हैं, मतलब कि भाई मेरे आँखों के सामने एक किल और कम हो जाती है।
हाँ भाई, अगर आप सोच रहे होंगे कि मतलब DJI, भाई देखो DJI अब सिर्फ और सिर्फ अभी 4 से 5 दिन ही हो रहे हैं, इसलिए बंदे भी अच्छे खासे आ रहे हैं, मतलब लाखों को तो मिल गया होगा। मतलब एक्सेस वर्जन जो भी है ये लाखों बंदों को तो मिल ही चुका होगा। तो भाई पिछले जो दो गेम प्ले थे वो तो बहुत ही अच्छे गए, मतलब एक गेम प्ले में तो अपन बॉट किंग थे और दूसरे में बहुत अच्छे खासे किल निकाल लिया था तुम्हारे भाई ने। पर भाई इस मैच में चिकन डिनर नहीं हो पाएगा, मतलब भाई देख सकते हैं आप आगे क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। मतलब कि भाई चलती गाड़ी से, मतलब गाड़ी इतनी रनिंग में भी नहीं होगी, मतलब इतनी स्पीड में नहीं होगी भाई। हाँ भाई क्रॉस करवा जाने का, तो यहाँ पर इनकी टीम का लास्ट बंदा भी ख़त्म हो जाता है और उसका फिनिश भी मैं चुरा लेता हूँ। भाई इनको मारने के बाद मैं लूट उट उड़ा के यहाँ से निकल जाता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ से निकलता हूँ मुझे एक और गाड़ी की आवाज़ आती है, मतलब कि वो भी सुपर स्पोर्ट्स, क्या कहते हैं इसे, सपोर्ट्स कार। हाँ सपोर्ट्स कार आती है, मतलब भाई तो मुझे लगा इसमें आए होंगे दो बंदे, पर भाई ये एक ही बंदा था। और अभी अपन खेल रहे हैं सोलो वर्सेस स्क्वाड, मतलब टीममेट तो अपने कुछ बचे ही नहीं कद्दू, इसलिए बंदों को फटाफट निपटा के अपन निकल जाते भाई। तो अब इसको मार के मैं सीधा पोचिंग की तरफ चला जाता हूँ, और भाई यहीं पर ही गलत सीन होने वाले हैं। यहाँ पर मैं आया और यहाँ से सीधा ऊपर चला जाता हूँ, भाई मुझे सामने पर ही एक बंदा दिख जाता है, मतलब बॉट का शायद, इसको मैं फिनिश करता हूँ। और बस भाई आज की वीडियो में इतना ही, तो बस यार भाई लोग आज के वीडियो में इतना ही, और जाते जाते देखते जाना तुम्हारे भाई को सामने वाले ने कैसा मारा है। मतलब भाई गाड़ी बहुत ही लो थी तभी उसने मेरे को स्नाइपर का शॉट छिटका दिया, और मैंने मेरे टीममेट से पूछा कि भाई तुम कौन से डिवाइस में खेलते हो, उसने जो कुछ भी कहा मुझे याद नहीं, पर यहाँ पर गेम ख़त्म। तो बस यार भाई लोग आज के वीडियो में इतना ही, मिलते कोई और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।